कि आपको पता है रशिया में एक डॉक्टर ने खुद के अपेंडिक्स का खुद ऑपरेशन किया था और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी चाइना में बनी है जिस लाइब्रेरी में 1.2 मिलियन से ज्यादा किताबें रखी गई है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी हमारे नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नंबर 10, यह 104 साल के है और ये आज के अधिकांश युवाओं की तुलना में अधिक स्टाइलिश नजर आते हैं। आपने इस बुजुर्ग व्यक्ति को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा। फेसबुक इंस्टा पे वायरल हो चुकी इन बुजुर्ग व्यक्ति की फोटो कई चर्चा का रूप ले चुकी थी। एक व्यक्ति ने बर्लिन कोटम्स स्टार स्टेशन के पास इनकी ये फोटो खींची थी और फेसबुक पर अपलोड करते हुए ये लिखा था कि इनकी उम्र 104 साल है और ये फोटो में ये काफी स्टाइलिश नजर आ रहे है। जब इन्हें इनकी उम्र के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनकी उम्र सिर्फ 70 साल है और वायरल हो चुकी फोटो में इनकी उम्र ज्यादा बताई गई है। नंबर 9, दुनिया के फिटेस्ट बच्चे का नाम अराट हुसैनी है। ईरान में रहने वाले अराट के पिता बताते हैं कि जब एक दिन मैं काम से घर लौटा और अपनी उंगली अराट के हाथों में रखी तो अराट उंगली को कसकर पकड़कर मेरे पैरों के ऊपर चढ़ने लगा। उस समय मुझे लगा कि अराट दूसरे बच्चों से अलग है। अराट 9 मंथ का था तब से उसकी ट्रेनिंग चालू कर दी गई थी और अराट रोज 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करता है तब जाके वर्ल्ड का फिटेस्ट चाइल्ड कहलाता है। नंबर 8, आपने ब्रिज तो बहुत देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कहाँ है? दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज चाइना में है। ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा और हांगकांग को मकाऊ और मुख्य चीनी शहर सुहाई से जोड़ता है। इस पुल को बनाने के लिए लगभग 20 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं और अधिकारियों का कहना यह भी है कि ये ब्रिज बनाने में कम से कम 18 वर्कर्स की मौत हो गई है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इस ब्रिज को भूकंप और तूफान का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे 4 लाख टन स्टील का उपयोग करके बनाया गया है जिससे 60 एफिल टावर्स बना सकते थे। नंबर 7, इनका नाम अनुपियाई है। ये दक्षिण सूडान में रहती है। आपको जानकर हैरानी होंगी कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। जी हाँ, इनका नाम सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है और यह सबसे महंगी वर्तमान मॉडल है। इन्हें फैशन फोटोग्राफी के एक घंटे के $15,000 पेट किए जाते हैं और जो लोग अपने सावले रंग के कारण लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। नंबर 6, क्या आपको पता है मेफ्लाइज पृथ्वी पर सबसे कम जीवन काल जीती है? इनका जीवन केवल 24 घंटों तक रहता है। मेफ्लाइज को इनके सबसे छोटे जीवन काल के कारण एक दिवसीय कीड़े भी कहा जाता है और दुनिया में इनकी प्रजाति 2500 से ज्यादा पाई जाती है। नंबर 5, सेब का फल दुनिया का सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी और बाद में इसको यूरोप और एशिया में लाया गया। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सेब की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? दुनिया में सेब की इतनी प्रजातियां पाई जाती है कि अगर रोजाना एक सेब खाया जाए तो हर प्रकार का सेब खाने में आपको 20 साल लगेंगे। नंबर 4, क्या आपको भी चाय पीना पसंद है? तो ये फैक्ट सिर्फ आपके लिए है। क्या आपको पता है पानी के बाद चाय दुनिया भर में दूसरा सबसे लोकप्रिय पेय है? अगर आप भी टी लवर है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी चाइना में बनाई गई है। यह लाइब्रेरी 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में आपको दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी और इसे दुनिया की सबसे साइलेंट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा, ये तीनों इंडिया से है। लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट तो ये है कि ये तीनों एक ही शहर से है जिसका नाम हैदराबाद है और एक ही स्कूल में पढ़े हैं जिस स्कूल का नाम हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट है और ये सच में वाव फैक्ट है। नंबर 1, ये एक रशियन डॉक्टर है जिनका नाम लियोनिद रोगजो है। 1961 में इनका अपेंडिक्स फटने के बाद इन्हें खुद का ऑपरेशन करके खुद का ही अपेंडिक्स निकालना पड़ा था क्योंकि वह अंटार्कटिका के सोवियत रिसर्च स्टेशन में तैनात थे और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल जा पाए और इस जगह वही अच्छे अपेंडिक्स के डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने अपना खुद का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और वो बच गए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।